गुड़केश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावर से कॉपर वायर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में कुल 1,09,000 का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादार ने दी। अलग अलग कंपनियों के मोबाइल टावर से कॉपर वायर चुराने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार करने में हुड़केश्वर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोनल बट्टे, मंगेश अहिरवार और महेंद्र कदम ये मोबाइल कंपनियों के टावर से कॉपर वायर चुराते थे और उसे आरोपी कुलदीप चौहान को बेचते थे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी वैसे ही तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादार ने अधिक जानकारी साझा की। मोबाइल कंपनीचे जे टावर असतात त्या टावरला पुरवली जाणारी जी इलेक्ट्रिक केबल असते ती इंटरनली कॉपरची असते आणि अशा वेगवेगळ्या टावरला पुरवल्या जाणाऱ्या ज्या केबल्स आहेत ते केबल चोरणारी एक टोळी हुड़केश्वर पोलीस स्टेशनचे डीबी इन्चार्ज स्वप्नील भुजबळ आणि त्यांचे जे टीममधले सदस्य आहेत शैलेश ठवरे, नरसिंह दमाये, अश्विन बगडे, आशिष तितरमारे, प्रदीप भदाडे, दीपक तरेकर, शारदा भेरे या सर्वांनी मिळून ही एक टीम उघडकीस आणलेली आहे जे वेगवेगळ्या मोबाईल कंपन्यांच्या टावरला जी पुरवली जाणारी इलेक्ट्रिक वायर आहे जी कॉपरची असते ती चोरी करायचे आणि जी ब्लॅक मार्केटमध्ये नेऊन विकायचे असा विक्री खरेदी करणारा जो आहे अशा 4 लोकांना या टीमनी पकडलेला आहे। एकूण या गुन्ह्यामध्ये नागपूर शहरातले एकूण 11 गुन्हे उघडकीस आणून 1,09,000 रुपयाचा मुद्देमाल या आरोपीकडून सीज केलेला आहे। ही केबल चोरणारे 3 आरोपी आणि खरेदी करणारा 1 आरोपी असे 4 आरोपी या टीममध्ये या टीमने पकडलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्याकडून जो खरेदी केलेला आणि चोरीला गेलेला जो मुद्देमाल आहे कॉपरचा तो हुड़केश्वर पोलीस स्टेशनने सीज पण केलेला आहे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 1,09,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थाने में 11 शिकायतें दर्ज है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।